बिहार की एक बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी लेकर आज खाना और स्वाद आपके पास आया है इस रेसिपी की वीडियो लेकर। तो आज हम बनाएंगे मड़ुआ की रोटी जो उत्तराखंड बिहार जैसे जगहों में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके में। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने मड़ुआ का आटा ले लिया है। मड़ुआ क्या होता है ये आप स्क्रीन पे देखिए आपको समझ आएगा। इसको ही बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में पीसकर इसको आटा की तरह बनाया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है और मैं इसे गूंथ ले रही हूँ। जैसे नॉर्मल आटा आप गूंथते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए, अब उसी तरीके से इसे भी थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए अच्छे से गूंथ लीजिएगा। देखिएगा ये ज़्यादा गीला ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का आपको लगेगा जब आप इसको सानिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा आटा ऑलमोस्ट गूंथ कर तैयार है। जब वो ऐसा टेक्सचर ले लेगा इसके बाद आप ना पानी ना कुछ डालेगा, उसके बाद ही ये आपका गूंथ कर तैयार हो जाएगा। और इसे गूंथना भी बहुत ही आसान है। अगर आप मैं जिस तरीके से कर रही हूँ ना इस तरीके से अगर ये टेक्निक यूज़ करके आप गूंथिएगा तो आपकी मड़ुआ का आटा जल्दी गूंथ जाएगा। तो देखिए हमारा आटा तैयार है। मैं इसकी छोटी छोटी लोई बना लूँगी, छोटी बड़ी या आपको जैसी खानी है। तो इस रोटी को ना स्पेशली हम हाथों से ही बनाते हैं, इसमें आपको बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल गांव में जैसे हाथ से बनाते हैं रोटी वगैरह, आप बिल्कुल वही टेक्निक यूज़ करते हुए इसे भी बनाइएगा और इसका स्वाद इतना अच्छा आपको आएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखिए मैंने ऐसे करके इसको गोल बेल लिया था हाथों से ही, और थोड़ा सा ये मोटा रहता है। और तवा को गर्म होने के लिए मैंने दे दिया था, उसके बाद मैंने तवा पे रख दिया था। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये दोनों तरफ पकेगा, तो मेरे को ये 10 मिनट के आसपास लगा। अब देखिए एक साइड पक चुका है। एक साइड पकने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा देखने में। तो आप लोग बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके वहाँ क्या ये सारे रोटी खाते हैं, और अगर खाते भी हैं तो इसे क्या नाम से पुकारते हैं। तो देखिए मैं इसे उलट पलट करके इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर ले रही हूँ ताकि किसी भी तरह से ये बिना बॉयल हुए ना रहे। ये जब हो जाएगा ना तो इसका जो साइड लेयर है वो थोड़ा खड़खड़ हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ हाथों से, जब ये टूटने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये ऑलमोस्ट पक चुका है। देखिए ये मिलेट्स में पड़ता है और ये शरीर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हमारी रोटी तैयार है और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करना भी एक इंटरेस्टिंग है। ये देखिए इसे आप सब्ज़ी वगैरह के साथ तो बिल्कुल मत खाइएगा वरना आपको टेस्ट मिलेगा ही नहीं। इसे आप खाइएगा नून, अचार, थोड़ी सी आप सरसों तेल ले लीजिएगा आप, और साथ ही मिर्च ले लीजिएगा। और उसके बाद आप देखिएगा जादू इसकी, और आप लोग बोलिए आप लोगों को वीडियो पसंद आया। तो लाइक करना मत भूलिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो